देश के प्रसिद्ध सिद्ध पीठों में से एक माँ चंडी देवी की महिमा का गुणगान पूरी दुनिया में किया जाता है। नील पर्वत पर स्थित माँ चंडी देवी के मंदिर में शारदीय नवरात्र के दिनों में भक्तों में एक अलग ही उत्साह देखने को मिलता है। देश के अन्य राज्यों से भी श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं लेकर माँ चंडी मंदिर के दर्शन करने धार्मिक नगरी हरिद्वार आते हैं। मान्यता है कि प्राचीन समय में जब धरती से लेकर स्वर्ग तक शुंभ निशुंभ नामक दैत्यों का अत्याचार बढ़ गया था, तब देवी देवताओं के आह्वान पर माँ भगवती ने रूप चंडी का रूप धारण किया था। इसके बाद भक्तों के कल्याण के लिए माँ चंडी देवी हरिद्वार में नील पर्वत पर एक स्तंभ के रूप में विराजमान हो गई। तब से माँ अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण कर उनका कल्याण करती आ रही हैं। इसलिए यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु माँ के दर्शन करने आते हैं। हरिद्वार से नरेश तोमर की रिपोर्ट। पूरे पर्वत का नाम है नील पर्वत। नील पर्वत पर माँ चंडी देवी दो रूप में विराजमान है। जिस स्वयंभू जिस स्तंभ में आप दर्शन कर रहे हैं वो रुद्र चंडिका है। वो शुंभ और निशुंभ का वध करने के लिए यहाँ पे प्रकट हुई थी। रुद्र चंडिका का ध्यान करते हैं आर्थिक शारीरिक सामाजिक मानसिक पारिवारिक कष्ट को दूर करने के लिए भगवती रुद्र चंडिका ध्यान करते हैं। जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालनी रुद्राक्ष माम के बाद हाथी स्वाहा सुना नमस्ते जयती देवी चामुंडा जी भूता तारी जय सर्व देवी भूताल रात्रि नमस्ते काली काली महाकाली कार्य के परमेश्वरी सर्वनंदन करी देवी नारायणी नमस्ते भगवती रुद्र चंडिका सब पे कृपा दृष्टि बनाए रखे। और मध्य में जो आप दर्शन कर रहे हैं वो मंगल चंडिका है। आदि गुरु शंकराचार्य देवी आठवीं शताब्दी में आए उन्होंने भी पूजा करी यहाँ पे मंगल चंडिका मनोकामना के लिए बच्चों की पढ़ाई के लिए नौकरी के लिए संतान के लिए सौभाग्य के लिए नौकरी उन्नति के लिए व्यापार वृद्धि के लिए मकान आदि के लिए सर्वत्र विजय प्राप्ति के लिए भगवती मंगल चंडिका ध्यान करते हैं।